हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है, आइए देखते हैं गूगल शीट। तो यहां पे गूगल शीट देख सकते हैं आप, जब भी आप कुछ भी लिखते हैं यहां पे, लाइक मैंने कुछ भी लिख दिया और अब इसको सेव करना है, तो यहां फाइल पे जाते हैं और यहां तो सेव का बटन मिलता नहीं है, या तो आप डाउनलोड करिए, या तो इसे इंपोर्ट कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अभी हम क्या करते हैं, यहां पर सेव इसको करना है किसी नाम से। तो नाम कैसे देंगे, नाम की बहुत प्रॉब्लम है, नाम इसमें कहां देना है ये पता नहीं चलता। तो आप सिंपली ये अनटाइटल लिखा हुआ है यहीं पर क्लिक कर दीजिए। आप रीनेम की शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, इसको डिलीट करते हैं, मैं इसे नाम दे देता हूं SURAJ। तो ये सूरज नाम दे दिया, आप देखिए ये सूरज नाम से सेव हो जाएगा। अब देखिए ये सूरज नाम आएगा, तो जब भी मैं इसको क्लोज करूंगा, देखिए मैंने सेव नहीं किया, और फिर इसको जब दोबारा ओपन करूंगा तो यही मुझे सूरज नाम से सेव मिलेगा। तो ये मैं दिखाता हूं आपको किस तरह से ये सेव है। तो यहां पर मैंने क्लिक किया और देखिए ये गूगल शीट ओपन हो रही है। अब जैसे ये गूगल शीट ओपन होगी तो ये देखिए सूरज नाम से ये सेव आपको मिल जाएगा, और इसे आप कहीं से भी अपना ईमेल आईडी लॉग इन करके खोल सकते हैं, ये आपको सुविधा दे देता है गूगल शीट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।